राम मेरे किसान भाइयों, मैं आपको जो फोलिया उसी या बाहर ओपन की खेती में जो संरक्षित खेती करने वाले किसान हैं उनको मैं कुछ जानकारी देने की कोशिश करता हूं कि इसमें जो अपन एक्सिस डोज देते थे, पहले अपन डीएपी देते थे या माइक्रो न्यूट्रेंट्स देते थे, वो ज़्यादातर केमिकल खाद ही होते थे, परंतु उसकी जगह हम आजकल ये एक इफको का सागरी का जो समुद्री शैवाल है, वो समुद्री जो घास होता है उससे, उस उत्पाद से एक सागरिका के नाम से, जैसे ये कट्टा सागरिका का है, हम 15 किलो के लगभग इसमें सागरिका डालते हैं। और दूसरी चीज़ जो सल्फर होती है अपनी ज़मीन में, जो बालू मिट्टी होती है उसमें सल्फर की कमी होती है, तो ये जो दूसरा आइटम 5 किलो के लगभग हम ये सल्फर डालते हैं, ये भी इफको का ही है। और तीसरी चीज़ जो हम इसमें जो जिंक डालते हैं, जो ये जिंक, ये भी इफको का 33% में आता है, बहुत अच्छा काम करता है, और अपने जिंक की कमी भी होती है बालू मिट्टी के अंदर। तो मैं सभी किसानों को यही कहूँगा कि आप ये तीन आइटम इनको अनुपात के अंदर, जैसे 15 किलो सागरिका हो गई, 10 किलो सल्फर, दाल वाली सल्फर हो गई, और 5 किलो ये जो जिंक होती है, इसको मिला करके जितने भी आपके बेड बने उसके अनुपात से आप इसका हिस्सा बना लीजिए। और बाद में आप जब ट्रैक्टर से ये बेड बनाते हैं, मैं बेड बनाने का तरीका भी बताता हूँ कि आप बेड दो बार में दे, एक बार थोड़ा सा मशीन को छोटा करके पहले उस बेड में चलाएं, इसको इस जो भी आपके जो ये तीनों चीज़ मिला करके एक समान मात्रा में, ये नहीं हो कि कहीं बेड में तो ज़्यादा डल रहा है और किसी बेड में कम डल रहा है, एक समान मात्रा में आप इसको बेड के ऊपर, बेड मेकर के ऊपर बैठ करके बुरक दे। और साथ में ही जो दूसरी बार आप बेड बनाएं उसका मैं थोड़ा सा वीडियो बना करके दिखाऊंगा। अगर अनुपात के हिसाब से इसका सदुपयोग करेंगे तो जो अपने अनुपात के रेशे के हिसाब से ये अपने फायदा ज़्यादा करेगा, क्योंकि ज़्यादा अनुपात में पीएच और ईसी बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़, जो अपन डीएपी को यूज में लेते थे तो वो ज़्यादातर मेरे हिसाब से क्लोराइड बेस ही होता था, क्योंकि क्लोराइड बेस एक जिस किसान के एक ईसी से ज़्यादा अगर उसका पीएच है और ईसी है तो वो उसमें सबसे ज़्यादा ईसी बढ़ाने का काम डीएपी करता है। तो मैं सब किसानों को यही कहूँगा कि आप क्लोराइड बेस से बचें, क्योंकि आप नाइट्रेट बेस लें, जिसमें नाइट्रेट बेस में क्या होता है कि पीएच और ईसी ना के बराबर बढ़ता है। हाँ। किसान भाइयों, जो ये तीनों का मिक्सर किया है उसको अच्छी तरह से मिला करके, कहीं ये नहीं हो कि जिंक की मात्रा एक साइड में ज़्यादा रहे और एक साइड में कम रहे, तीनों मिक्सर एक समान बना ले। किसान भाइयों, साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखिए, क्योंकि संरक्षित खेती करने वाले ज़्यादातर किसानों के मेरे पास में बाद में फ़ोन आते हैं कि हमारे डैम्पिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ज़मीन को, जो अपन सोइल सोलराइजेशन के बाद में जल्दीबाजी कर देते हैं, ज़मीन को अच्छी तरह से सुखाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो ये ज़मीन है, देखो, मतलब एक फीट तक आप खोदोगे तो भी इसमें गीली मिट्टी नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से इस इतनी मात्रा में तकरीबन एक फीट के लगभग ये ज़मीन सूख जाए, उसी के बाद में बेड बनाए।